बहुत ही मतलब ऊंचे स्थान पर है, बहुत शांत वादियों में है। तो प्रातः काल में जब भ्रमण करने निकला तो मैंने देखा कि मैं उन्हीं के आश्रम में रुका। तो जब मैं नीचे आया तो मुझे बताया कि यहाँ पर उनका हॉस्पिटल है और इसको देख लीजिए आप। तो मैं हॉस्पिटल में गया तो वहां मुझे एक डॉक्टर साहब मिल गए, सूरत से आए हुए। तो मैंने कहा आप कहाँ से? मैं नमस्ते किया। तो उन्होंने बताया कि मैं सूरत से आया हूँ। मैंने कहा यहीं रहते हैं आप? बोले हाँ, मैं हर साल अपने 2 महीने की सेवा इस आश्रम को देता हूँ, क्योंकि ये आश्रम यहाँ पर इस क्षेत्र में उन लोगों की सेवा करता है जिनको चिकित्सा सेवा आसानी से मिल नहीं पाती है, बहुत सारी जो समस्याओं में रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं होता। अस्पताल के लोग उनको देखते हैं, उनके इलाज के लिए काम करते हैं, जो जिनका इलाज यहाँ नहीं हो पाता उनको आगे रेफर करते हैं। तो मैं बड़ा उनसे प्रभावित हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या आपने क्रम बनाया? और बोले हाँ, पैसा तो साल भर कमा के। मैंने सोचा कि 2 महीने जो है सेवा करूँ, मैं हर बार यहाँ पर आकर सेवा देता हूँ। ऐसे मैंने और लोगों को भी देखा। यहाँ पर हमारे विवेकानंद हेल्थ मिशन वाले लोग, वह भी सभी जगह पर अपनी सेवा दे रहे हैं और पूरे 4 धाम यात्रा में उनकी पूरी सेवा चलती है। तो निश्चित रूप से देखिए, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है। अपने लिए तो मैं बार बार कहता हूँ, जो हमारे जिनको हम लोग पशु कहते हैं, क्यों मधु जी, बिल्कुल सही। वह भी जी लेते हैं, वह भी खाना खाते हैं, वो भी वो सब काम करते हैं जो एक प्राणी को करते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए करे, परमार्थ के लिए करे, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, वही परमार्थ है। सच में जो आनंद की अनुभूति होती है अंदर से, जो सुकून मिलता है, आप लोग भी देखिएगा, आप लोग इस बड़े काम में हैं। आप कभी सच्चे मन से, अच्छे मन से ऐसे लोगों की सेवा कर पाए कि जिनको कोई सेवा करने वाला नहीं, और उस सेवा के बाद उसको वो लाभ प्राप्त हो जाए, जिस लाभ को आप देना चाहते हैं, चाहे स्वास्थ्य का लाभ है, मन का लाभ है, तन का लाभ है, तो आपको वो आत्मिक शांति होगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकती, जो कभी भी पैसे से और अर्थ से उसको कभी नहीं खरीदा जा सकता, वो स्वतः ही प्राप्त होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो है, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इतनी मुश्किल से कि योनियां 84 लाख योनियां चली जाती हैं, तब जो है कहते हैं कि दोबारा जो है जीवन में आने का अवसर मिलता है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको ये काम दिया है। आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग की उत्तराखंड की सरकार, धन सिंह जी ने बहुत सारी बातें यहां से बताई कि लगातार काम कर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि जहां भी डॉक्टरों के कार्यक्रम में जाता हूं तो कुछ स्वार्थी होकर उनसे यही कहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी, और वो केवल हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जिन्होंने हर किसी को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी 1 साल के लिए देने का काम किया। तो योजना का लाभ उन सभी जरूरतमंदों को मिले, उन जिनको उसकी जरूरत है उनको प्राप्त हो, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। बाकी एनीमिया है, ये बहुत ही ऐसी बीमारी है, धीरे धीरे आयरन कम हो जाता है तो एनीमिया होने लगता है, और उसको उसके लिए जो जागरूकता का अभियान चलाया है, और ये विशेषकर हमारी जो मातृशक्ति है उनके अंदर ज्यादा होता है। और हमारे यहाँ तो शुरू से कहा गया है यत्र नारस्तु पूज्यन्तु,
पत्र भवन के देवता, यानी कि जहाँ उनके आगे तो भगवान भी जो है देवादिदेव महादेव भी उनको प्रणाम करते हैं, उनका उनका पूजन करते हैं। तो आप लोग बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं इसमें। जहाँ भी जैसा आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कहा कि आप लोगों को जहाँ भी आप हमारे राज्य में कैंप लगाएंगे, जहाँ भी आप इस सेवा के कार्य को करेंगे, तो हमारी हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारी सरकार आपके साथ रहेगी और आपके काम को आगे बढ़ाने में जो भी हमारा सहयोग हो पाएगा वो हम निश्चित रूप से करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का अपनी तरफ से बहुत ही बहुत आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि ये काम आपका बहुत यशस्वी हो। और सचमुच जिन लोगों को इसकी बहुत आवश्यकता है उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिले, उनके अंदर जागरण हो। और जो रेट आप 70 पर लाना चाहते हैं, डॉक्टर ऋषिकेश जी ने शुरू में कहा, वह 70 पर आए। मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं कि आपने अपने इतने टाइट और बिजी शेड्यूल